एक बार की बात है कि गांव में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उस लड़के की माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब उसी समय गांव में कुछ लोग आते हैं और उस स्त्री को कहते हैं कि तुम अपने लड़के के शव को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारे लड़के को जीवित कर देंगे। यह सुनकर वह स्त्री बहुत खुश होती है और गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिन लोगों ने उस स्त्री को गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी थी, असल में वह गौतम बुद्ध को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि वह लोग गौतम बुद्ध से नफरत करते थे। लेकिन उस स्त्री को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उनके कहे अनुसार वह स्त्री गौतम बुद्ध के पास चली जाती है। उस समय वहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। वह स्त्री सीधा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर अपने बच्चे लड़के के मृत शव को रख देती और कहती है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, मुझे मालूम है कि आप इसे जिंदा कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं। गौतम बुद्ध पहले उस स्त्री की बात सुनते रहे और वहाँ बैठे उनके शिष्य और अन्य लोग भी गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या यह संभव है। फिर गौतम बुद्ध मृतक लड़के की माँ को कहते हैं कि अपने पुत्र को अगर तुम जिंदा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। स्त्री कहती है कि आप बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम एक मुट्ठी भर गेहूँ लेकर आओ, लेकिन गेहूँ उसी घर से लाना है जिसके घर में कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई है। वह स्त्री गेहूँ लेने के लिए गाँव में चली जाती है। पहले घर में जाती है, गेहूँ मिल जाता है, लेकिन उस घर में काफी समय पहले बुढ़े आदमी की मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे करते करते हुए काफी घरों में जाती है, लेकिन सभी घरों में कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु हुई होती है। अब वह इस तरह समझ जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी घर में मृत्यु ना हुई हो। जिस घर में किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य हुई होगी। फिर वह स्त्री भी गौतम बुद्ध के पास चली जाती है और वहां जाकर गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर बैठ जाती और कहती है कि आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गई कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। चाहे वह इंसान सुंदर हो, करूप हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मुझे इस बात का ज्ञान तो था, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुझे यह बात समझ आ गई है। और फिर वह स्त्री वहां से अपने बेटे की लाश को लेकर चली गई।